हमने गांधी के उसूलों की हिमायत की है, हमने गांधी के उसूलों की हिमायत की है। खुश रंग परिंदों ने बरसात की कंकर की दिल जो दिल जो बहुत अमदाबाद। कुमारी तक तरह तरह के फूल हैं। इस बागीचा से एक भी फूल को यदि खुजल दिया जाएगा, इस फूल में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग हैं। यदि इस बगीचा से एक भी फूल को खुजल दिया जाएगा तो इस बगीचा की शोभा खत्म हो जाएगी, इस बगीचा की शोभा खत्म हो जाएगी। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हम एक है, हमारी अखंडता से पूरा विश्व घबराता है। इतना ही नहीं, इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में जितना हिंदुओं ने खून बहाया है उतना मुसलमानों ने खून बनाया है बहाया है। इसलिए इस हिंदुस्तान की धरती पे हिंदू मुस्लिम सभी का बराबर है। लेकिन कुछ राजनीतिक फायदे के लिए, हमें आपस में लड़ाने के लिए, हमें बांटने के लिए कुछ चुनिंदे लोग हमारे बीच में दीवार खड़ा करने का प्रयास करता है और कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन वो क्षण भर के लिए कामयाब होंगे, वो हमेशा के लिए कामयाब नहीं होंगे। हम यहां जा रहते हैं, एक तरफ से मस्जिद से अजान की आवाज और दूसरे तरफ से मंदिर से संघ की फूंक हमारे कानों में अमृत घोलता है। हम गर्व से कहते हैं, हम हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तानी रहेंगे। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है, उसके बाद हम हिंदू है, उसके बाद हम मुसलमान है। मेरे दोस्तों, 9 महीना माँ के कोख में आप थे, 9 महीना माँ के कोख में मैं भी था। जन्म के बाद पाला वो सब माँ आपने भी कहा, माँ मैंने भी कहा। किसी ने कुरान पढ़ी, किसी ने गीता पढ़ा। कुरान में ये नहीं लिखा किसी हिंदू को सताओ और गीता में ये नहीं लिखा किसी मुसलमान को सताओ, तो फिर हम अलग कैसे हो सकते? हमारा ताना बाना है। ईद के मौके पर हम आपके घर में सेवैया खाने जाते हैं और दुर्गा पूजा में आप हमारे घर में मिठाई खाने आते हैं। ये ताना बाना को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये हमारे बीच में जो कुछ नफरत की आग बोने के लिए, नफरत बीज बोने के लिए जो आए हैं, उसी को खत्म करने के लिए, उसी को समाप्त करने के लिए, भारत को अखंड बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ है। निश्चित तौर पर इसका परिणाम 2024 में बहुत अच्छा आएगा और मैं इंजीनियर असलम अली साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस अलता की पाक सरजमी से, कोचा दामन की पाक सरजमी पे
इमरान प्रताप गिरी जी को राहुल गांधी जी का जो चाहते हैं दाहिना हाथ है उनको बुला के एक संदेश देने का काम किया है। और इमरान जी जब आएंगे आप उनको सुनने के लिए आए हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम, शुक्रिया। बहुत खूब पिंटू चौधरी साहब। दोस्तों, थोड़ी देर में मुशायरा बाजाबता तौर पर शुरू होगा। हम चाहते हैं कि हमारे कुछ इलाके के शोरा हैं उनको आप लोगों से रूबरू कराएं। तो हमारे बीच सोशल मीडिया में आप लोग अक्सर देखते हैं इमरान भाई के बहुत बड़े फैन हैं वो, तो जहांगीर साहब जो मास्टर भी हैं माशाल्लाह तबीयत से, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें जहांगीर साहब का। बिहार सरकार के माननीय मंत्री इसराइल मंसूरी साहब के साथ साथ तमाम हमारे माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब, जो लम्हे के इंतजार में हम तमाम लोग थे, हमारे बीच उद्घाटन करता माननीय राज्यसभा के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब आ चुके हैं। विधिवत कार्यक्रम की उद्घाटन की जा रही है। जिला परिषद के हमारे चेयरपर्सन मैडम से आग्रह है कि कृपया आप भी सामने दीप प्रज्वलन में शामिल हो जाए। एक बार जोरदार तालियों से तमाम मेहमानों का हार्दिक स्वागत करें। इमरान प्रताप गिरी साहब अब हम लोगों के बीच में आ चुके हैं और आप सभी लोगों से जो भी आदमी ज्यादा आदमी स्टेज पे हैं आप लोग कृपया स्टेज को खाली कर दें, मेहरबानी होगी आप लोग स्टेज को खाली कर दें। जितने भी कुछ हुआ कुछ आप लोग जल्द से जल्द स्टेज को खाली कर दें, मेहरबानी होगी। सिर्फ VVIP लोग जो है वही स्टेज पर रहे और आप लोग स्टेज को खाली कर दें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। VVIP लोग ही रहे मेरे भाई, जितने भी मेरे मुखिया अबू सलमान साहब, मोहतरमा नुदरत साहिबा, जनाबे